बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम बाब दोम इबादत पढ़ रहे हैं जिसका उनवान है रोज़ा। आज हमने रोज़े के मुआशरती असरात के मुतालिक पढ़ना है। इस्लामी इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना ही नहीं बल्कि इन इबादत की वजह से माशरे की बहुत सी खराबियाँ दूर हो जाती हैं और दुनियावी ज़िंदगी भी पुरसकून हो जाती है। नंबर एक, रोज़े की वजह से नेकी और तकवे की फ़ज़ा पैदा होती है जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक बढ़ जाता है। रोज़ा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है जिससे इंसान मशक्क़त उठाने का आदि बन जाता है। एक मुकर्रर वक्त पर उठना और सहरी नोश करना और मुकर्रर वक्त पर रोज़ा इफ्तार करना इंसान में पाबंदी वक्त की खूबी पैदा कर देता है। रोज़ा इंसान को झूठ, गीबत, हरामखोरी और बेशुमार गलत ख्वाहिशात पूरी करने से रोकता है। अगर इंसान रोज़ा रखकर इन बुराइयों से ना रुके तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ बोलने और बुरे कामों से नहीं बचता तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ने की कोई दिलचस्पी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है एहसासे हमदर्दी। रमज़ान मुबारक में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा पैदा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक का नाम शहरुल मवासात रखा है, यानी यह महीना लोगों के साथ हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है, क्योंकि जब रोज़ादार को भूख और प्यास का तजुर्बा होता है तो उसे भूखे और प्यासे लोगों की तकलीफ़ का एहसास भी होता है। नेक्स्ट है इत्तेहाद व इत्तफाक। जब तमाम लोग रोज़े के दौरान एक ही कैफियत से गुजरते हैं तो उनमें इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा होता है। और इसी तरीके से हमारा लास्ट पॉइंट है, रोज़े से इंसानी सेहत बेहतर होती है क्योंकि मैदे का हर वक्त भरा रहना इंसान जिस्मानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। रमज़ान मुबारक में 30 दिन यानी एक माह के लगातार सारा दिन मैदे को खाली रखने की मशक की जाती है जिसकी बिना पर जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है और सेहतमंद और तवाना माशरा जन्म लेता है। ये थे हमारे रोज़े के माशरती असरात। अपना ख्याल रखिएगा, तमाम काम अच्छी तरीके से याद करें और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।